सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मोरक्को के राजा मोहम्मद ने 792 कैदियों की सजा कर दी माफ। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। दोस्तों पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलाद उन नबी बड़ी शानों शौकत से मनाया गया। दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों ने इस मौके पर अपनी जनता को अलग अलग तोहफे दिए। इसी मौके पर मोरक्को जो एक मुस्लिम देश है, इस देश के राजा मोहम्मद ने अपने देश के कैदियों को दिया मिलाद उन नबी पर बड़ा तोहफा। मोहम्मद ने 792 कैदियों को कर दिया माफ। अपने हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद उन नबी के मौके पर किंग मोहम्मद ने राज्य की विभिन्न अदालतों द्वारा सजा पाए हुए लोगों के समूह को माफ किया है। इन लोगों की संख्या 792 है। शाही माफी के लाभार्थियों जो हिरासत में हैं 576 कैदियों में इस अनुसार हैं, 3 बंदियों को जेल की शेष सजा को माफ किया गया है, 563 बंदियों को कारावास में छूट दी गई है, 9 कैदियों की मौत की सजा को किद में बदला है, 1 कैदी की मृत्यु कारावास की सजा को आजीवन कारावास में बदला। शाही माफी के तहत 216 व्यक्तियों को रिहा किया गया है, 56 लोगों को जेल की सजा के दौरान आराम दिया गया है, 7 लोगों के पक्ष में जुर्माना भरा गया है, 11 लोगों जेल की शर्तों और जुर्माना में छूट दी गई है, 142 लोगों के जुर्माना पर पेनल्टी माफ की गई है। दोस्तों मोरक्को के राजा का यह फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।